इन दिनों पूरा भिलाई शहर एक बार फिर आवारा मवेशियों की वजह से परेशान है, जिसे देखते हुए निगम भिलाई प्रशासन ने मवेशी मालिकों की सभा बुलाई और सख्त शब्दों में स्पष्ट किया कि बार बार पकड़े जाने वाले मवेशी मालिकों पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। शहर में आवारा घूमने वाले मवेशियों के विरुद्ध शासन के निर्देशानुसार रोका छेका संकल्प अभियान संपूर्ण निगम क्षेत्र में चलाया जा रहा है। पशुओं को निगम का राजस्व अमला पकड़कर गौठान में छोड़ रहे हैं, जिसे पशु मालिक छुड़ाकर ले जाते हैं और उन्हें फिर से शहर में विचरण करने के लिए छोड़ देते हैं। अब निगम क्षेत्र में सभी मवेशियों का एनिमल टैगिंग किया जाएगा। भिलाई निगम क्षेत्र के पशुपालकों के साथ हुई बैठक में यह निर्धारित किया गया है कि सभी मवेशियों को एनिमल टैगिंग आवश्यक रूप से किया जाना है, जिससे बार बार पकड़े जाने वाले मवेशी मालिक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। पशु पालकों के साथ निगम सभागार में आयोजित बैठक में अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने कहा कि सड़क पर मवेशियों के झुंड के चलने और बैठे रहने की वजह से वाहन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। निगम ऐसे मवेशियों को हटाने लगातार कार्रवाई कर रहा है, इसमें आप सभी पशुपालकों की सहभागिता भी जरूरी है, यह अभियान तभी सफल होगा। उन्होंने पशुपालकों से कहा कि अपने मवेशी को खुला न छोड़ें, ताकि होने वाली दुर्घटना से वाहन चालक बचे रहें और पशुधन की भी हानि ना हो। राज्य शासन का निर्देश है रोका छेका संकल्प अभियान, इसके तहत नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में रोका छेका अभियान चलाकर 3 काउ केचर के माध्यम से सड़क पर घूमने वाले पशुओं को पकड़ रही है। और अभी गत दिनों पशुधन के मालिकों से यहाँ नगर निगम के सभागार में माननीय अपर आयुक्त महोदय ने एक बैठक भी लिया था, जिसमें उन्होंने पशु मालिकों से शपथ भी दिलवाया है कि हम अपने पशुओं को रोड पर नहीं छोड़ेंगे। फिर भी अगर वो दोबारा पकड़ने के बाद दोबारा छोड़ देते हैं सड़क पर, तो उस पर महापौर परिषद ने एक निर्णय लिया है कि प्रथम बार में 1,000 रुपया, द्वितीय में 2,000 रुपया, तृतीय बार में 3,000 रुपया और FIR करने का एक प्रावधान महापौर परिषद ने पारित किया है, तो इससे लागू किया जा रहा है। साथ में नगर निगम एक अभियान एक चला रही है, जिसमें एनिमल टैगिंग का, उसमें टैगिंग होगी, उसमें QR कोड रहेगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये जानवर जो है दोबारा फिर सड़क पे आई है, इसलिए उसकी पहचान करके उसके अर्थदंड के साथ ही ऐसे पशु मालिकों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की कार्रवाई करेगी। रोका छेका अभियान के तहत सड़क से पकड़े जाने वाले आवारा मवेशियों को छुड़ाने के लिए आने वाले पशुपालकों से अब जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए दंडात्मक शुल्क भी निर्धारित किया गया है। इसी के साथ मवेशी मालिक के विरुद्ध अपराध भी दर्ज कराया जाएगा। सभागार में आयोजित बैठक में उपस्थित सभी पशुपालकों ने संकल्प अभियान के तहत अपने अपने मवेशी को खुला नहीं छोड़ने, व्यवस्थित तरीके से पशुओं को रखने, जिससे किसी भी जनधन व पशुधन की हानि रोकने में अपना सहयोग करने की शपथ ली। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।